वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम डाइनिंग टेबल से थोड़ी सी चीजें सेट कर रहे हैं, फिर हम अपना कार्ड डेकोरेट करना शुरू करेंगे। एक एक कार्ड बना के दिखा देते हैं, फिर बाकी हम कार्ड बाद में बना लेंगे। छिपकली। मेरी दोस्त बोलती है, जकरो बोलती है छिकली, छिकली वो बोलती है। अच्छा कली बताओ क्या होता है? कली क्योंकि वो काली होती है। मम्मा मुझे लग रही है इनके यहाँ पे भी ग्लू लगी हुई है ना, तो इस वजह से यहाँ पे कैसे ग्लू आई है? देखा। देखा। से वो पीछे वो लगाई थी ना, वो फैल गई है। ये हो गया रायान का, रायान का ये भन गया। क्या हुआ? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अब मम्मा खोलेंगे और चिड़क की आवाज आएगी। चिड़क वो उधर ने पिंक वाला छुप गया। ओ ओ ओ वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ये पिंक वाला कह रहा है यू वांट टू प्ले हाइड एंड सीक। वो देखिए शीट डाइनिंग टेबल की ठीक है। अब आपकी को भी मैं पेस्ट कर दूँ। और ग्रीन मेरा फेवरेट कलर भी है। मम्मा चाहिए मैं खुद डेकोरेट करूँगी, ठीक है? सही है, बस मैं ये लगा दी। हाँ ये आर्मस लगा दी। आप सेंटर वाले हार्ट को बिल्कुल कार्ड के सेंटर में रख के तो साइडों से उसको पेस्ट करते हैं, तो आपका इजीली कार्ड बन जाएगा। कितना बड़ा रॉय, अब आपने करना है ना सिंपल, पूरी ग्लू नहीं लगानी इस पे, साइडों पे बस ग्लू लगा देनी। हाँ साइडों पे भी नहीं, सेंटर में। ये देखिए जैसे मैं अभी आपको एक पे करके दे रही हूँ ना, फिर दूसरे पे आप मुझे करते हैं, ठीक है ना? ये सेंटर में इधर। अच्छा वो आप ऐसे यू ही वो ना लगेगी। हाँ समझ आ गई, ठीक है ना? अब आप इसको पेस्ट कर रहे नीचे आ रहा है कोई बात नहीं। ओके अब और कौन से कलर की लगानी है? और मैं लगाऊंगा ब्लू कलर। तो येलो ब्लू और येलो एक बायर लगा दूंगा और उसके ऊपर लिखूंगा हैप्पी टीचर्स डे। अब इस पे यहाँ पे टीचर का नेम, यहाँ पे अपना नेम, यहाँ पे लिखूंगा मैम बुशरा ऑरेंज में और यहाँ पे लिखूंगा सौंदर्या, ठीक है? माही नवाब लगाएं अपने कार्ड पे। ये तो प्रैक्टिस है, अभी मैं एक चीज करने लगूं जल्दी। यहाँ पे गलत कर ब्लू वाले हाथ नहीं लगाए ना। ये देखें रॉय टिश्यू लाए बेटा। हाँ चले नेक्स्ट पेज कर, चले और लगाएं। और कौन सा लगाना? येलो पेस्ट कर रही है। मैम मम्मा जानी, मम्मा जानी जी बेटा, मैं मैम बुशरा के ऊपर ये वाला लव यू चिपका सकता हूँ? मैम बुशरा के ऊपर लव यू चिपका दूँ?
नहीं ये है या इधर, यहाँ पे मैम यहाँ पे मैम लिखूंगा लिखूंगा ये मैम बुशरा के पास 3 ईयर्स से पढ़ रहा है ये मेरी तीसरी क्लास है मैम बुशरा मैं पढ़ा था नर्सरी से फिर केजी में अब 1 में ये तो हो गया जो कि इससे पसंद है वो मेरी सबसे फेवरेट टीचर है इससे टीचर ही वो पसंद है ये किसी और क्लास में जाता है उनके लिए अपनी क्लास चेंज करवा लेता है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि डेफोडिल्स में मैम बुशरा पढ़ाती हैं वो कह रही थी शायद से वो 1 वाली जगह पे ना हो ये भी हमें बना के दे रही हैं बैर लगाने के लिए ग्लिटर शीट से मम्मी ने बनाया था ये मैंने ले लिया अभी इसके अंदर मैं ग्रीन सा वो सर्कल चपकाऊंगा ताकि फ्लावर जैसी इसमें लुक आए मैंने जो पहले बटरफ्लाई बनाई वो बटरफ्लाई का क्रॉस ऐसा लग रहा है लेकिन माहिन को वो भी अच्छी लग रही है बटरफ्लाई बना रही है अभी यहाँ पे मम्मा ने एक बटरफ्लाई तो बना ली है अब ये मम्मा दूसरी बना रही है ये वैसी तो नहीं है जैसी वो बनी है अच्छी तो बनी है ये तो ज्यादा ही शायरी बन गई है ये मैं लगाऊंगा नहीं ना ये ना फोमिंग शीट की नहीं थोड़ी सी कटिंग में नहीं आती ना सही क्रायन हां और ये बहुत सॉफ्ट है ना ये फोमिंग शीट है ना थोड़ी सी फोम से है ये दोनों मैं लगाऊंगी ये ये दोनों नाम की बटरफ्लाई तो मैंने वैसे ही बना दी थी इसके बाद प्रॉपर तरीके से मैंने बटरफ्लाईज बनाई पहले स्केच बनाया फिर उसके बाद कटिंग की बटरफ्लाई का हमने बना लिया है इसके ऊपर स्केच सा अब हम इसको कटिंग कर रहे हैं ग्लिटर शीट ये थोड़ी फोमिंग शीट है इसको काटना थोड़ा मुश्किल होता है मैंने एक दफ़ा काटा हुआ है फोमिंग शीट को काटने का तरीका यही होता है कि आप पहले स्केच ड्रॉ करें और उसके बाद पेपर कटर से इसको कट कर लें लेकिन हमारा पेपर कटर पता नहीं बच्चों ने किधर गुम किया हुआ था इसलिए मैं सीजर यूज़ कर रही थी अभी हम लोग आपसे सुबह मिलेंगे हमारी बटरफ्लाई रेडी है ऐसे ही हम सारी बटरफ्लाईज बना लेंगे मैंने जो पेपर की बटरफ्लाईज बनाई हुई थी मैंने उन्हीं को एक ग्लिटर शीट पर फोल्ड करके तो ट्रेस किया और फिर मैंने ग्लिटर शीट को कट कर लिया एक एक लगा लो अब मैं से लगाने मैं तो एक ग्रीन लगाऊंगा वो सेटिंग मुझे अच्छी वाली खुद ले दे दो चलो ये तुम ले लो मुझे ये वाली दे दो अभी यहाँ पे मम्मा ऐसे काटते ऐसे ही काटते ज़्यादा अच्छा सिल्वर ग्लिटर शीट की जो है स्ट्रिप्स वो मैं इससे पतली कट की थी जिसकी वजह से फोल्ड होकर बटरफ्लाई नहीं ट्रेस हो पा रही थी नहीं मेरा तुम ये वाली ले लो नहीं बनी तो ले लोगे नहीं तो पाओगे तो ले लो अभी तुम ले लो ये वाली तुम ले लो नहीं नहीं ये वाली तुम ले लेना ये पता नहीं सही बनेगी भी या नहीं ये तो थोड़ी फोमिंग शीट थोड़ी छोटी कट गई पहले हम लोग उस पे लड़ाई कर रहे थे अब इस पे कर रहे हैं चलो अच्छा लग रहा है ना चले आप जो भी डेकोरेट करना है करें ग्रेवी को यूज करके दे मतलब
लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। बस वन लगाए, वन ज्यादा अच्छी लग रही है, डिसेंट लग रहा है। और ये इधर लगा दो। नहीं नहीं, अंदर वो स्टिकर्स लगाए ना बेटा। ये क्या हो रहा है? अगर वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो छींटे मार रहे हैं। छींटे मार रहे हैं। अच्छा चलो अब एक ही जगह पे बैठो दोनों और डेकोरेट करो, वो कर लेंगे बाद में। आ जाए माही, इधर चले रायान, टेबल से उठे बेटा। अब जो जो स्टिकर्स जैसे जैसे लगाने हैं अब आप करें। ओके रखे नीचे। लव यू और लव मी। एक मिनट माही, माही वेट करें बेटा। चलो वो छोड़ दो, ये लो ये लगाओ आप। किधर लगाना है? एक मिनट माही, ये ले किधर लगाना? इधर ऊपर ही लगा दो ना, यहाँ पे लगा। हाँ टेढ़ा करके लगा दो, यहाँ पे लगा दो। हाँ हाँ थोड़ा आगे करें, आगे करें। हाँ यहाँ पे, ये इसके साथ लगा दे। इसके साथ वो मैम बुशरा, मैम बुशरा के साथ लगा दे। लगा दो, हाँ मैं कर दूँगी, छोड़ दें आप। आप ही कही है, तुम्हारा नहीं है। लगा दिया ना सब एक ही तरह से। ये फ्लावर्स भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं। ये फ्लावर्स आपके और बटरफ्लाइज की तरह है। ये रायान की बटरफ्लाइज, आपकी बटरफ्लाइज। चलो पर्पल में पर्पल मत लगाएं, नहीं शो होता ना। ओके वेट करें, इसको पील आउट करें आराम से ऐसे। बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई लगा रही है, एक्स्ट्रा लगाएंगे। वेट कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक नहीं यहाँ पे लगा लगा दें, छोटे छोटे स्टिकर्स हैं और लगा दें आगे पीछे कहीं। कितनी प्यारी प्यारी सी बटरफ्लाई, ये जो छोटी सी है ना ये इसके ऊपर यहाँ पे कॉटन पे लगा दो बेशक। एक मिनट, हाँ या इधर लगा दो, ऐसे लगाए ना जैसे लगा रही थी बेटा, ऐसे करके। मैं इसको इतने भरूंगी बस। आप इस पे लिख देना यहाँ पे जिसमें मैम को देना है और यहाँ पे। ये अभी और नहीं लगा रहे क्योंकि इन्होंने अभी और भी बहुत सारे कार्ड्स रेडी करने हैं, सब पे लगाना है। मेरे पास है बेटा आपका बटरफ्लाई, ये है मेरे पास। और इसको भी ठीक कर दे मम्मा, ये वाला भी ठीक कर दे। आपकी आंखों के लिए मैंने लव यू लगाया और एक फ्लावर लगाया और आपने अपना पूरा घर दिया। ये लीव मेरा था मम्मा। अच्छा भाई ये आप ही से लीव ले लो, आप ये लो। ये ले ले। किधर लगाना है आपने? यहाँ पे फ्लावर के साथ, जैसे मैंने लगाना था आपने वैसे आप ही को लगा दिया। थोड़ा सा दूर लग, अच्छा हाँ ठीक है। डंडी बन सकती है? डंडी नहीं बन सकती इसकी, डंडी नहीं बन सकती। यहाँ पे लगा रही हूँ, ये पड़े हैं ना, ये लगा दिया, मुझे भी लगा दिया। मुझे पसंद करो, मम्मी की जगह लव मी लगाना है। लव मी, हाँ
इधर लगाऊं? मम्मा मैं ये वाला बाई लगा दूं? हाँ मम्मा, ये मैं इधर लगाऊंगा और यहाँ पे मैम बुशरा लिखूंगा। जब मैम बुशरा को इसका मतलब मैम बुशरा को लव करे ना, लव मी, मैम बुशरा लिखा होगा। मुझे नहीं पता जी। मम्मा मैं ये वाला बाई लगा दूं? मम्मा ये मेरा। अच्छा बेटा, मैं ये वाला बाय लगा दी। इधर लगा, इस पे लगा दूँ इधर के मैम उषा कह रही है ना लव मी, मैम उषा कह रही है ना लव मी। ये यहाँ पे ब्लैक मार्कर से लिख भी देना, मैं इस तरह से लगा मैम उषा फॉर आया। बस ये कार्ड्स रेडी हैं इनके, बस इनके लिखना बाकी है। तुम अपना दिखाओ। रेडी कर रहा हूँ। चलिए कर रहे हैं। मैंने ये बाय लगाया अंदर से। अंदर बस अब क्या क्या करना है? अंदर यहाँ पे लिखना है मैम, जो भी मैम राबिया, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगी फ्रॉम माही, और यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे हम हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। कार्ड रेडी है। इसके कार्ड ही नहीं डेकोरेट हो रहा, इसको पसंद ही नहीं आ रहा। इसका है कि बस सब कुछ लगा दो कार्ड पे। ठीक है। क्या पे चले जाते हैं वहाँ पे, क्या करती है तुम लोग वहाँ पे, क्या करने जाते हो, क्या करने जाते हो, क्या करने जाते हो? बस कितने लगाओगे? या फिर इधर लगा दे। ये वाला गोल गोल मटोल मटोल लगाया। ये वाला तो मैंने अपने में भी लगाया। नहीं ये वाला। चलिए बस अब मैं फ्रेंड्स को लिख के दिखाऊंगा। पहले मामा लिखेंगे फिर ही मैं फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। अच्छा जी, चलो मैं वो कह रहा है पहले मैं लिखूंगा फिर दिखाऊंगा। ना दिखाना, ना दिखाना। रायान का आर थोड़ा सा बड़े साइज में डालना, उस तरह नहीं लिखना जैसे आप कॉपी में लिखते हैं, थोड़ा बड़े साइज में लिखें। शाबाश, कॉपी में बहुत छोटा छोटा दिखता है। चलिए अब यहाँ पे लिखें ऊपर मैम बुशरा, जिससे लिखना है लिख लें। मार्कर ढेर पड़े हैं, पर्पल से लिख लें। ये ले पर्पल से, पर्पल कार्ड पे पर्पल से लिख। एम डबल एम एम ए कोमा एम, थोड़ा बड़ा ऊपर यहाँ पे छोटा सा कॉमा डाल। चलो लिखो। बी बड़ा डाल और बड़ा। हाँ अब थोड़ा साथ ही लिखना। अब बीच में मैं लिख दूंगी, ठीक है ना, यहाँ पे हैप्पी टीचर्स डे मैं लिख दूंगी। चले आपका भी कार्ड रेडी है। ठीक है, चले अब आप लोग सो जाएं और सुबह आप ये आप फाइनल लुक व्यूअर्स को दिखा दीजिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ आप ही लिखें। अच्छा वो आप करते हैं बाद में, जाएं अब आप रेस्ट करें। अभी आपकी अपनी मैम का नाम लिखने दी है। मैम बुशरा, मैम राबिया।
चलें आप हम बाकी भी कार्ड रेडी करके तो मिलते हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखिए सारे कार्ड रेडी हैं, बिखरा हुआ है सब कुछ, बच्चे सो गए हैं और ये ढेर लगा हुआ है कार्ड्स का। बच्चों ने खुद बनाया था, सब एक जैसे हैं, सब टीचर्स के लिए सेम कार्ड बनाए हैं। बस अब सुबह बच्चे उठेंगे तो ये मैंने ऊपर हैप्पी टीचर्स डे भी लिख दिया सब कार्ड्स पे, सब कार्ड्स पे बच्चों के नाम भी लिख दिए, रायान के टीचर्स के नेम भी लिख दिए, सिर्फ माहीन उठेगी तो अपनी टीचर्स के नेम खुद लिखेगी। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, सुबह हो गई है, माही रेडी हो चुकी है और रॉय अभी तक रॉय उठ जाओ, सुबह हो गई है, रायान उठ जाए, सुबह हो गई है, ये सो रहे हैं। ये देखें लॉइन उठ गया है और अब ये जाएगा वॉशरूम, फ्रेश होगा, फिर उसके बाद चेंज करेगा, स्कूल के लिए रेडी होगा। और ये मेरी कैटो प्लीज चल उठ मनी उठ, रेडी हुई हुई है और लेती हुई है, सैश बना रही हूँ मैं, बस सैश बनाती हूँ और आपको ब्रश करती हूँ, आप फिर कार्ड पे टीचर के नेम लिखना, मैंने लंच आपका रेडी, टीचर्स के नेम आप खुद लिखेंगे ना। ये देखें ये आके इधर बैठ गए, रॉय उठ जाएं, रेडी हों, जाके फ्रेश हों, मुंह हाथ धोएं और उसके बाद यूनिफॉर्म पहने, चेंज करें, ये सब के कार्ड रेडी हैं, आपके भी रेडी हैं रॉय कार्ड। सारी टीचर्स के कार्ड्स रेडी हैं और ये कैसे डाल रहे हो मेरा बेटा, निकालो सारे, अरेंज करके सही से रखते हैं, देखें ऐसे डालें, कार्ड्स अलग से हैंड बैग में इसलिए डाल के दे रही हूँ ताकि वो माहीन और रायान अपने बैग में आराम से रख लें ताकि कार्ड फोल्ड या ख़राब ना हो। और रायान साहब ये बैठे हुए हैं ऐसे ही, ये कोई लंच कोई ब्रेकफास्ट नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, हमेशा दूध पी के जाते हैं, आज हम इनको ब्रेकफास्ट मैंने इनको दिया है तो ये नहीं कर रहे ब्रेकफास्ट, पहले कोको खाया, हाँ जी, और ये सिर्फ इनका होता है कि दूध पिए और कुछ भी ना खाएं, और ये अभी कुछ भी नहीं खा रहे, ये रायान के भी कार्ड्स डाल के अब मैम के नाम, हाँ इसको बैग में डाल दें, मैम के नाम देख के तो मैम को देना, अच्छा चलें आप रेडी हो जाएं आप, माहीन के ड्राइवर माहीन ये रेडी हैं घर के जूतों में रेडी, मेरी बेटी तो बिल्कुल रेडी है, मेरा सोना बेटा तो बिल्कुल रेडी है, अब कुछ खा भी लेना, चल मेरा बेटा चल, माही ने टीचर्स डे के लिए स्पीच रेडी की हुई थी। रॉय चलें कुछ खा लें मेरा बेटा, चलें मामा के हैं खा लें, अब ये इतना कौन खाएगा रॉय, ये वीडियोस आपके टीचर भी देखेंगे, उन्हें पता होगा कि ये ब्रेकफास्ट नहीं करते, ये सुबह में कोई ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते, सिर्फ थोड़ा सा आधा कप दूध पी लेते हैं, और माहीन ने मेरे कहने पे बाइट तो ले लिया था पर उसे खाया नहीं जा रहा था। मैंने इनका लंच पैक कर दिया है, ये बनाना बिस्किट और बस ये चीज़ें, और साथ में ये एक कप केक हो, मैंने ये ऐसे ही रखूँगी, मैं खोल के नहीं रखूँगी क्योंकि बनाना की वजह से टेस्ट चेंज हो जाता है चीज़ों का, इसलिए मैं इन खोल के नीचे नहीं रखा कप केक, बस ये ऐसे ही रख दूँगी और ऊपर से बस इसको अपन, मैं रायान को एक दफ़ा इंग्लिश का रिवाइज करवा दूँ, आज इसका टेस्ट है इंग्लिश का, और माहीन के भी अंकल बस आने वाले हैं, चले जी माहीन के ड्राइवर अंकल आ गए हैं, रायान के लग रहे हैं, रायान के तो इतनी जल्दी नहीं आते, माहीन के ड्राइवर अंकल नहीं थे, उसने जाके देखा तो वो उसकी कज़न सिस्टर्स हैं उनके ड्राइवर अंकल थे, तो माहीन खुश होगी, चले जी इनके ड्राइवर अंकल आ गए, मैं आपका मसला हल करती हूँ आगे।
उनके अंकल आ गए। चले ओके लास्ट माफ कितना कर। इस वीडियो के पार्ट वन का लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखें ये यहीं पर ही पड़ा हुआ है। ब्रेकफास्ट कोई नहीं किया, एप्पल भी कटवा के कोई नहीं खाया। सब कहते रहते हैं कि फूड चैलेंज की वीडियोस डालें, इनका फूड चैलेंज कराएं। मेरे बच्चे कुछ खाते ही नहीं हैं तो फूड चैलेंज मैं किधर से कराऊं इनका दूध के अलावा। ये अब दूध भी पियेंगे बस, ये थोड़ा सा। खुद भी ये कहते रहते हैं मम्मा मेरा हमारा फूड चैलेंज करें, हमारा फूड चैलेंज करें, हमारा ये चैलेंज करें। किधर से करें, खाना भी ना खाएं तो तब करें ना हम। मैंने शाम में वहाँ पे मोबाइल में वीडियो बनाते थे और मैंने एक ब्रेड तो पूरी इनसे खाने नहीं होती। पिज्जे का स्लाइस दे दो वो एक नहीं खाने जी। बिल्कुल बिल्कुल ओके बाय बाय कर। बाय बाय अब हम स्कूल जा रहे हैं और हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे।